वो कानूनी अपडेट ये है कि कल हमने एक कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर के डीएम साहब को और एसएसपी गौतम बुद्ध नगर को भेजी है, और उसके अंदर हमने तीन मांगे रखी है कि सीमा हैदर द्वारा जो घोषणा की गई है कि वो अपनी फर्जी मैरिज एनिवर्सरी मनाने जा रही है बगैर सरकार की अनुमति के, तो हमने उसमें क्या लिखा है? हमने लिखा है कि सीमा गुलाम हैदर पत्नी गुलाम हैदर द्वारा गलत तरीके अपनाकर प्रचार व प्रसार द्वारा भ्रम देश में भ्रम फैलाने, झूठी भीड़ इकट्ठा करने व कोई भी प्रोग्राम बगैर केंद्रीय सरकार की व राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त किए किसी भी प्रकार के आयोजन पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया द्वारा प्रचार व प्रसार पर सीमा हैदर द्वारा घोषित तिथि दिनांक 13/3/2024 के किसी भी ऐसे प्रोग्राम पर रोक लगाए जाने बारे शिकायत पत्र। दूसरा जो हमने मांग की है इसके जरिए से, हमने कहा है कि श्रीमान एपी सिंह जी को पाकिस्तानी नागरिक व अवैध घुसपैठी सीमा हैदर पत्नी गुलाम हैदर से किसी भी प्रकार की उसके रिहायशी पते पर जहां पर वो रह रही है पूर्ण रूप से उसकी मुलाकात पर पाबंदी लगाई जाए, कानूनी पाबंदी लगाई जाए, और अगर उनको मिलना है तो वो केवल कोर्ट परिसर में सीमा से मिल सकते हैं, उनके घर पर जाने पर, रबुपुरा जाने पर उन पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि वहां जाकर वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे देश की आपसी भाईचारा खराब हो सकता है और दो समुदायों में किसी भी प्रकार का झगड़ा फसाद हो सकता है और लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब हो सकता है, और एक वकील एडवोकेट एक्ट के तहत वो बाध्य है, वो क्लाइंट के घर किसी भी रूप में नहीं जा सकता, आपको मिलना है कोर्ट में मिलिए। तो हमने प्रशासन से मांग की है कि एपी सिंह जी के सीमा हैदर के रिहाइश पते जहां पर वो हाल रुकी हुई है वहां जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि वो हमेशा मीडिया वगैरह को लेकर जाते हैं और पूर्ण रूप से उस कवरेज पर पाबंदी लगाई जाए। नंबर तीन, हमने तीसरी मांग ये की है कि रबुपुरा से बाहरी किसी भी व्यक्ति को सीमा गुलाम हैदर से मिलने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाए तुरंत प्रभाव से, क्योंकि भारत की कानून व्यवस्था व समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने तथा भारत की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए इन तीनों मांगों को प्रशासन द्वारा विचार विमर्श में अमल करने की अति आवश्यकता है, और ये मामला भारत की आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा कुछ जो लीगल पॉइंट्स हैं उनको भी उठाया गया है, यह कि 13/3/2024 को पाकिस्तानी नागरिक सीमा गुलाम हैदर द्वारा एक भीड़ इकट्ठी करने की पूरी योजना की गई है, जिसे घोषित किया गया है कि वह फर्जी मैरिज एनिवर्सरी के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है, जबकि यह पाकिस्तानी महिला तलाकशुदा नहीं है और किसी प्रकार का तलाक ना भारत में हुआ है ना पाकिस्तान में गुलाम हैदर से हुआ है, तो भारत के किसी भी कोर्ट में भी इसका तलाक नहीं हुआ है। गिरफ्तारी के समय सीमा के कब्जे से दो जो पासपोर्ट जारी बरामद हुए हैं उन पर भी उसके पति गुलाम हैदर का नाम लिखा हुआ है, जो वीजा नेपाल का बरामद हुआ है उसके अंदर भी उसके पति का नाम लिखा हुआ है, और जो उसके चारों बच्चे रघुपुरा पुलिस द्वारा उससे गिरफ्तारी के वक्त रिकवरी किए गए हैं उनके चारों पासपोर्ट में गुलाम हैदर का फादर के रूप में और सीमा के पति के रूप में और सीमा का माता के रूप में उनके अंदर नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा एक मैरिज सर्टिफिकेट जो कि गुलाम हैदर और सीमा हैदर के बीच शादी हुई थी वो पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी किया गया, वो प्रमाण पत्र भी सीमा के पोजेशन से रिकवरी हुआ है, जिसके अंदर साफ तौर पर उसके पति का नाम लिखा हुआ है। जो जमानत सीमा ने आवेदन किया था जेवर कोर्ट के अंदर उसके अंदर भी खुद को गुलाम हैदर की पत्नी दिखाया है, और जो ऑनरेबल कोर्ट से जमानत के आदेश हुए हैं उसके अंदर भी गुलाम हैदर को सीमा की वाइफ दिखाया गया है। इसके अलावा जो मैंने एक कोर्ट में याचिका लगाई थी उसके अंदर भी जो है वो ऑनरेबल कोर्ट ने उसको गुलाम हैदर की वाइफ माना है।
अब कुछ सवाल हमने उठाए हैं कि जब सभी दस्तावेजों व कानूनी आदेशों व कानूनी दस्तावेजों से व खुद के कबूलनामे से, जो कि पुलिस द्वारा जिसको अरेस्ट किया गया था, इसने खुद कबूलनामा किया था कि मैं सीमा हैदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, तो उस कबूलनामे में भी खुद को ये अपनी गुलाम हैदर की पत्नी दिखा रही है और अभी तक कोई तलाक नहीं हुआ है, तो किस हैसियत से वो फर्जी एनिवर्सरी देश के लोगों को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से वो घोषणा करी है, किस आधार पर ये मैरिज एनिवर्सरी वो मनाने की बात करी है जबकि वो अभी तक तलाकशुदा नहीं है। तो जो कानूनी रूप से अभी तक सचिन के साथ किसी प्रकार की शादी को या तलाक को प्रूव नहीं कर पाई है, तो ऐसा वो किस आधार पर कर रही है और भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की कोई मंजूरी सीमा हैदर ने इस प्रोग्राम को करने के लिए नहीं ली गई है और ना ही उसने कहीं पर अपना मैरिज पंजीकृत कराया, रजिस्ट्रेशन कराया है, जिससे वो ये शो कर सके कि वो सचिन की वाइफ है, ना कोई डिवोर्स का पेपर आज तक सामने आया है। अतः देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व देश को झूठी बातें फैलाकर गुमराह करने से रोकने के लिए तुरंत प्रभाव से ऐसे प्रोग्राम पर जिसमें भीड़ इकट्ठी हो, मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से झूठा भ्रम देश के अंदर फैलाया जाए या पब्लिसिटी की जाए, या कानूनी रूप से प्रशासनिक कानूनी पाबंदी तुरंत प्रभाव से लगाई जाए ताकि देश के अंदर भ्रम ना फैले, कानून व्यवस्था बनी रहे और देश की आंतरिक सुरक्षा भी बनी रहे। जब तक भारत सरकार द्वारा उसे इस प्रकार की कोई अनुमति ना दी जाए, ऐसा प्रोग्राम बिल्कुल ना सरकार होने दे। उसके अलावा श्रीमान एपी सिंह जी, जो कि सीमा हैदर डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर के डीएम साहब को और एसएसपी गौतम बुद्ध नगर को भेजी है और उसके अंदर हमने तीन मांगे रखी है कि सीमा हैदर द्वारा जो घोषणा की गई है कि वो अपनी फर्जी मैरिज एनिवर्सरी मनाने जा रही है बगैर सरकार की अनुमति के, तो हमने उसमें क्या लिखा है। हमने लिखा है कि सीमा गुलाम हैदर पत्नी गुलाम हैदर द्वारा गलत तरीके अपनाकर प्रचार व प्रसार द्वारा भ्रम देश में भ्रम फैलाने, झूठी भीड़ इकट्ठा करने व कोई भी प्रोग्राम बगैर केंद्रीय सरकार की व राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त किए किसी भी प्रकार के आयोजन पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया द्वारा प्रचार व प्रसार पर सीमा हैदर द्वारा घोषित तिथि दिनांक 13/3/2024 के किसी भी ऐसे प्रोग्राम पर रोक लगाए जाने बारे शिकायत पत्र। दूसरा जो हमने मांग की है इसके जरिए से, हमने कहा है कि श्रीमान एपी सिंह जी को पाकिस्तानी नागरिक व अवैध घुसपैठी सीमा हैदर पत्नी गुलाम हैदर से किसी भी प्रकार की उसके रिहायशी पते पर जहां पर वो रह रही है पूर्ण रूप से उसकी मुलाकात पर पाबंदी लगाई जाए, कानूनी पाबंदी लगाई जाए और अगर उनको मिलना है तो वो केवल कोर्ट परिसर में सीमा से मिल सकते हैं, उनके घर पर जाने पर, रबुपुरा जाने पर उन पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाए क्योंकि वहां जाकर वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे देश की आपसी भाईचारा खराब हो सकता है और दो समुदायों में किसी भी प्रकार का झगड़ा फसाद हो सकता है और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब हो सकता है और एक वकील एडवोकेट एक्ट के तहत